hello students let's revise the chapter the evolution of computers from class 7th hands on book so in so in this chapter we learned about the evolution of computers i will explain everything in hindi so कंप्यूटर का विकास क्रम किस तरह से कंप्यूटर का विकास हुआ कंप्यूटर पहले कैसा दिखता था जब शुरुआत हुई उसकी जब बनाया गया और अब कंप्यूटर की क्या कंडीशन है क्या क्या किस किस क्रम में विकास हुआ ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो पहले एक कहानी देखते हैं टोबो और डोबो की कहानी है इतिहास की कक्षा में दोनों बैठे हुए हैं दो दोस्त हैं है। मैम इतिहास की शिक्षिका जो है उनको पाषाण काल के बारे में पढ़ा रही हैं पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल पश्चिम पाषाण काल कि आज से हजारों वर्ष पहले मनुष्य किस तरह से वन में रहते थे भोजन करते थे जानवरों का शिकार करते थे और धीरे धीरे मस्तिष्क का विकास होने के कारण शरीर का भी विकास उसके अनुरूप होता गया और विकास के इसी क्रम में आज का मनुष्य सीधा खड़ा है और सामान्य है ये चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है जब दो ये सब बातें चल रही थी उसी समय टोबो और डोबो बैठे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ रहे थे दोनों इन चीज़ों को तो जब हिस्ट्री का पीरियड ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी कंप्यूटर का पीरियड था पर फिर भी टोबो और डोबो आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक बंदर जैसी आकृति से इंसान तक मनुष्य का विकास हुआ तो कंप्यूटर के पीरियड में कंप्यूटर शिक्षक ने देखा और पूछा टोबो तुम क्या सोच रहे हो किस बारे में विचार कर रहे हो तो टोबो तो ने समझाया कि हमारी इतिहास की शिक्षिका ने हमें मनुष्य के विकास क्रम के, के बारे में समझाया मानव के ह्यूमन के और मैं अब कंप्यूटर के विकास क्रम के बारे में सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ होगा सभी छात्र हंसने लग गए कि एक कंप्यूटर का टुकड़ा इसके विकास के बारे में सोच रहा है लेकिन शिक्षक ने समझाया कि बहुत सारे आविष्कारक और वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के विकास में अपना योगदान दिया है और कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वो सब पार्ट्स मिलकर इसको कंप्यूटर बनाते हैं और सभी पार्ट्स या सभी हिस्सों को अलग अलग आविष्कार के माध्यम से कंसीडर या समझा जा सकता है सभी का आविष्कार अलग अलग हुआ है जैसे कंप्यूटर के अगर हम मॉनिटर की बात करें या स्क्रीन की बात करें तो पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर का यह पिक्चर ट्यूब आता था सांचा होता था बड़े साइज का टीवी बोल सकते हैं फिर धीरे धीरे वो टीवी का साइज छोटे छोटे होते होते आज स्मार्ट टीवी आ गए जो बहुत ही पतले होते हैं जो टीवी या कंप्यूटर की तरह पूरी तरह वर्क करते हैं इसी तरह की भी जो पहले था वो बड़े बड़े बटन्स वगैरह होते थे और कमांड देना मुश्किल था और विकास हो के आज ये सब तो सबका विकास अलग अलग हुआ है और सब एक साथ मिलकर कंप्यूटर के विकास क्रम को दर्शाते हैं और चार्ल्स बेबेज़ को हम कंप्यूटर के पिता के नाम से जानते हैं बताते हुए शिक्षक ने आगे की कहानी शुरू की कि जो कंप्यूटिंग की हिस्ट्री है या गणना का जो इतिहास है वो कैसा है तो उन्होंने कंप्यूटर का इतिहास बताते हुए कहा कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी के अंग्रेजी सॉरी इंग्लैंड के गणित के प्रोफेसर जिनका नाम चार्ल्स बेबस था उन्होंने एक इंजन या एक मशीन बनाया डिज़ाइन किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन और आजकल जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो इसी एनालिटिकल इंजन के बेस फ्रेमवर्क पे चल रहे हैं एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन जो था वो इस तरह था कि इनपुट लेना प्रोसेस करना और आउटपुट देना जैसे हम लोग कम कैलकुलेटर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर में नंबर्स को लिखते हैं दो फिर टू उसके बाद फिर उसका गुड़ा करते हैं दूसरे नंबर से तो गुड़ा होने के बाद रिजल्ट जो होता है हमको कंप्यूटर खुद देता है तो तीन चीज़ें होती हैं तो ये तीन चीज़ों का क्रम जो था ये एनालिटिकल इंजन से स्टार्ट हो गया था साथ ही उन्होंने उस डेटा को जैसे कैलकुलेटर में स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती अगर हम उसको बीस स्टेप पच्चीस स्टेप तक ही स्टोर कर सकते हैं पर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं इसी तो दोबा आश्चर्य होती हुआ क्या ट्रेन का इंजन तो टीचर ने समझाया नहीं ट्रेन का इंजन नहीं आप ये वीडियो देखें और समझ जाएंगे कि एनालिटिकल इंजन क्या है यहाँ चार्ल्स रवेज की फ़ोटो बनी हुई है फिर आप वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद फिर वीडियो देखने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसके बाद जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर्स मतलब कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में समझाते हुए शिक्षक ने बताया कि समय पर आधारित समय काल के अनुसार कंप्यूटर्स का प्रयोग डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड इन विच द कंप्यूटर्स वर यूज एंड देयर ऑपरेशन हाँ तो समय के अनुसार जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होता गया उसको पांच अलग अलग पीढ़ियों में बांटा जा सकता है जैसे हमारे घर में पीढ़ियाँ होती हैं बच्चे हैं बच्चों के पिताजी हैं तो वो दूसरी पीढ़ी उनके दादा जी तीसरी पीढ़ी परदादा चौथी पीढ़ी इस तरह से कंप्यूटर की भी पीढ़ी कोई नई चीज़ आई तो फिर वो अगली पीढ़ी में आ गई तो पीढ़ियों को ही जनरेशन कहा गया तो ये सब समझाते हुए शिक्षक ने अलग अलग पीढ़ियों को जनरेशन का उदाहरण देते हुए ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बारे में समझाया और इसके बारे में आपको एक चार्ट में भी लिखना है बनाने के लिए इसको आप बना लीजिएगा नीचे एक पीपीटी का लिंक दिया हुआ है इसको डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे आप लोग देखिएगा फिर शिक्षक ने पूछा कि क्या आप लोगों ने पुराने मोबाइल देखे हैं जो पहला मोबाइल फ़ोन आया था तो डोगो बोले नहीं नहीं देखा है तो टीचर ने फिर कहा तो चलो मेरे पास कुछ फ़ोटो है हमारे पास हम आपको दिखाते हैं तो इन फ़ोटो में यहाँ दिया हुआ है कि उन्नीस में मोबाइल कैसा दिखता था ये देख सकते हैं आप छोटी सी स्क्रीन है एकदम कैमरा वगैरह कुछ नहीं है कीबोर्ड है गाने वगैरह नहीं सुन सकते 2000 में जो मोबाइल आया वो थोड़ा छोटा हो गया स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई और वो पहले से अच्छा दिख रहा है इसमें रिंग टोन अलग अलग टाइप के बच सकते हैं इसमें हो सकता है तीसरा फ़ोन आया जो है इसमें कैमरा भी है लेकिन इसका इस स्क्रीन उतना बड़ा नहीं है फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्क्रीन बड़ा होते जा रहा है और मतलब कि मोबाइल का विकास होते जा रहा है तो आप नीचे लिखा हुआ है कि अर्ली मोबाइल्स पुराने मोबाइल फ़ोन देते थे वो सिंपल थे बल्कि थे और सिर्फ उसे कॉल कर सकते थे स्क्रीन भी छोटी थी और कैमरा नहीं था बाद में और ज़्यादा फीचर ऐड हुए हर नया मॉडल का फ़ोन पुराने मॉडल के फ़ोन से बेहतर होता है होते गया फिर टीचर ने पूछा डोबो से क्या तुमने अपने पापा का मोबाइल देखा है तो डोबो ने बताया हाँ उसमें बहुत सारे फ़ीचर हैं बहुत सारे फैसिलिटी सुविधाएँ हैं कैमरा है इंटरनेट है वीडियो रिकॉर्डिंग है और बहुत सारे ऐप्स हैं एक छोटे से मिनी कंप्यूटर के जैसा है कि आपके हाथ में कंप्यूटर रखा हो फिर आगे शिक्षक ने समझाया कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मोबाइल से स्मार्टफोन तक का विकास हुआ सेम इसी विकास में कंप्यूटर के विकास को पांच पीढ़ियों में बांटा गया है और हर पीढ़ी में कुछ विशेष तकनीकी विकास हुआ है और कंप्यूटर के आधारभूत ढांचे में थोड़ा परिवर्तन हो गया है और या काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन हुआ है हर हर पीढ़ी के क्रम में तो ऐसी पाँच पीढ़ियाँ तो जो पहली पीढ़ी थी फर्स्ट जनरेशन वो उन्नीस से लेकर उन्नीस सौ छप्पन तक थी और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इसकी मेन पहचान है जिससे इनको जाना जाता है और फर्स्ट जनरेशन का जो एग्ज़ाम्पल उदाहरण है वो इन्याग कंप्यूटर है इनिया कंप्यूटर में बीस हज़ार वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी और इस तरह से उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा और वो बहुत बड़े साइज का था देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया जाता था तो इसके हम अगर हार्डवेयर या मशीन जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं उनके बारे में देखें तो वो हैं वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था मेमोरी के लिए इनपुट जो डॉक्टर उसको हम कंप्यूटर को कमांड देते थे इनपुट देते थे वो पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम से देते थे और आउटपुट जो होता था, था वो प्रिंट आउट पर निकलता था आज आजकल आउटपुट मॉनिटर की स्क्रीन पर आ जाता है पेपर वेस्टेज नहीं होता फिर अगर सॉफ्टवेयर के बारे में देखें तो सॉफ्टवेयर वाले जो इसके गुड़ थे वो मशीन लैंग्वेज यूज़ कर सकते थे मतलब मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है जीरो और वन जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन का ना होना वन मतलब इलेक्ट्रॉन का होना हाँ या ना जैसे हर चीज़ को दो चीज़ों में बांटा गया है तो यहाँ पास भी दो चीज़ों को जीरो और वन के माध्यम से कंप्यूटर हर एक गणना को समझता है उसके लिए फाइव भी ज़ीरो टू के फॉर्म में है और थ्री भी जीरो टू के फॉर्म में है इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं और मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर इसी भाषा को भी सिर्फ समझता है तो उस समय मशीन लैंग्वेज में जीरो वन में, में कमांड देना पड़ता था फ़ाइव है तो फाइव को कुछ जीरो वन के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे वो दो से भाग दे के तो आगे वीडियोस में हम आपको समझाएंगे कि इस तरह से हम अपनी वास्तविक दशमलव शिक्षा पद्धति को डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में या मशीनी भाषा में बदल सकते हैं तो आज की डेट में भी जो भी फ़ोटोज़ हैं पिक्चर्स हैं गाने हैं मूवीज़ हैं या कंप्यूटर में जो कुछ भी है वो सब कुछ जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है उस सब का बेसिक जो है वो जीरो वन के ही फॉर्म में ही होता है फिर दूसरा है सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम तो ये एक बार में एक ही परेशानी हल कर सकता था और ज़्यादातर इस, इसके जो एप्लीकेशन या ऐप एप इसमें थे या सॉफ्टवेयर थे वो साइंटिफिक थे अदर फीचर में ये बहुत बड़े साइज़ का था अनरिलइबल था हाइली मतलब कि बहुत ज़्यादा भरोसा तोड़ने वाला था लिमिटेड कमर्शियल यूज़ एंड कॉस्टली तो इसका व्यावसायिक मतलब कि बिजनेस के उससे इसका यूज़ नहीं कर सकते थे और बहुत महंगा था अब इतना बड़ा था कि इसको लाना ले जाना ही रेलगाड़ी के कई डब्बे लग जाएँ इसलिए फिर इसका कमर्शियल व्यावसायिक उत्पादन भी मुश्किल था कि इसको उस तरह से उत्पादन किया जा सके जैसे आज की डेट में मोबाइल है तो वो सब जगह पहुंच जाता है अब इतना बड़ा कंप्यूटर जो कि हंड्रेड बाई थ्री बाई सेवन हंड्रेड फिट बाई सेवेन फीट बाई थ्री फिट के साइज़ का हो उसको कैसे पॉसिबल होगा इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना यूज़ करने भी मुश्किल था मशीन की भाषा में आप उससे पूछोगे और मशीन की भाषा में ही उत्तर देगा तो आपको पहले अपने प्रश्न को मशीन की भाषा में बदलना पड़ेगा उसके बाद फिर मशीन की भाषा में जब कंप्यूटर कैलकुलेट करके उत्तर देगा तो फिर वो उत्तर को आपको फिर बदलना पड़ेगा अपनी भाषा में तो ये काफ़ी मुश्किल काम था तो फर्स्ट जनरेशन के बाद फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आए ये हम देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की फ़ोटोज़ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ और ये कंप्यूटर काफ़ी छोटे हो गए यहाँ फ़ोटो बनी हुई है यूनिवैक कंप्यूटर देख सकते हैं आप एक बैठे हुए हैं सर या एक पुरुष बैठा हुआ है जो इसको चला रहा है ये यूनिवेक कंप्यूटर है जिसका पहली बार कमर्शियल का पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जो यूएस सेंसस ब्यूरो को 1951 फिफ्टी वन में डिलीवर किया गया था फिर इधर दिया हुआ इनिया कंप्यूटर देख सकते हैं यही है हंड्रेड बाई सेवन बाई एट साइज़ का तो इतने बड़े साइज का होने का कारण मुश्किल था दूसरे जनरेशन में पढ़ेंगे हम ट्रांजिस्टर के बारे में दूसरे जनरेशन में जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ और ये इसका सेकेंड जनरेशन का पीरियड था तो उन्नीस से उन्नीस तक इसके हार्डवेयर के गुण जो थे वो ट्रांजिस्टर का यूज हुआ दूसरे जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरीज का यूज हुआ मैग्नेटिक टेप्स का यूज हुआ और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए डिस्क का यूज किया जाने लगा सॉफ्टवेयर में बैच प्रोसेसिंग मतलब कि जैसे ग्रुप में प्रोसेसिंग या बैच में प्रोसेसिंग तो एक साथ एक से अधिक काम की प्रोसेसिंग होने लग गई असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ अब असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार हुआ और यूज होने से काफ़ी आसानी हो गई कि अब हमको हर चीज़ कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में नहीं बतानी पड़ती थी उसको हम असेंबली लैंग्वेज बताते थे जो सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती थी और असेंबलर नाम का एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया जो उसको कन्वर्ट कर देता था जीरो वन या मशीन की भाषा में और मशीन उसको वापस कैलकुलेट करके जब देता था तो असेंबलर सॉफ्टवेयर वापस उसको हमारी भाषा में जिससे वो समझी जा सके तो काफ़ी आसान हो गया था इस समय कंप्यूटर का प्रयोग करना पहले पीढ़ी या पहले जनरेशन की तुलना में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड और इसी समय दूसरे जनरेशन में ही उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का को का, का, सॉरी डेवलप हुई विकसित हुई साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस अब पहले जो सिर्फ साइंटिफिक एप्लीकेशन बन रहे थे अब कुछ व्यवसायिक भी बनने लग गए कि सैलरी बनाना है पेरे पेरोल वाला वर्क करना है तो ऑफिशियल वर्क या बड़े कमर्शियल संस्थानों में यूज करने लायक इसमें फ़ीचर्स आ चुके थे कुछ और फीचर थे ये पहले जनरेशन ज़्यादा फास्टर था छोटा था और ज़्यादा भरोसे के लायक था भरोसेमंद था इसमें प्रोग्राम करना ईजियर था पुराने जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में और इसका जो व्यावसायिक उत्पादन था वो भी पर अभी भी कठिन नहीं था दूसरे में क्योंकि अभी भी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ था और काफ़ी महंगा पड़ता था अब दूसरे जनरेशन के बाद फिर 1950 में जब दूसरा जनरेशन चल ही रहा था उसके पहले फर्स्ट जनरेशन में ही एक आईसी इंटीग्रेटर इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किया गया था जिसका यूज़ तीसरे जनरेशन में किया गया तो 1950 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने एक सर्किट डेवलप किया तो उसकी परिभाषा लिखी हुई है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है पहला इंटीग्रेटेड सर्किट जो है 1950 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने बनाया था फिर आता है तीसरा जनरेशन जिसमें हम देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का फ़ोटो कैसा बना हुआ है और थर्ड जनरेशन के पीसी की फ़ोटो भी देख सकते हैं तो अभी तक हम देख रहे हैं कि पीसी जो है पहले के जनरेशन की तुलना में छोटा होते जा रहा है और इसके देखें क्या क्या चीज़ें थी, थी इसमें तो इसके हार्डवेयर कैरेक्टर्स जो थे वो आईसी यूज हुआ विथ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन तो स्मॉल स्केल एसएसआई मतलब कि एक आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाना संभव हो गया अब पहले ट्रांजिस्टर एक था तो कम काम करता था अब एक छोटे से आई में इतना सारा ट्रांजिस्टर लगा दिए तो अब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई जानकारी को जल्दी जल्दी कंप्यूटर प्रोसेस करने लग गया इसकी मेमोरी भी लार्जर हो गई फिर इसका जो डिस्क का कैपेसिटी था वो और मैग्नेटिक टेप्स की सेकेंडरी स्टोरेज की कैपेसिटी थी वो भी बढ़ गई और इसी समय आया मिनी कंप्यूटर्स मतलब ये एक छोटा कंप्यूटर था मतलब दूसरे जनरेशन की तुलना में तीसरे जनरेशन में कंप्यूटर के आकार में काफ़ी ज़्यादा कमी आई और बिनी कंप्यूटर्स अपवर्ड्स और इसके बाद के जो कंप्यूटर थे वो इसी की फैमिली में आते हैं मतलब टेबल में रखे जाने वाले पीसीज कह सकते हैं सॉफ्टवेयर में देखें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेशन सिस्टम आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम को शेयर करता था अलग अलग ऑपरेशन्स में जैसे उसको कोई टास्क दिया गया है तो हर टास्क को कितना सेकेंड या कितना टाइम प्रोवाइड करना है ये डिसाइड करने का सिस्टम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया जो तीसरे जनरेशन में प्रयोग हो रहा था होने लग गया उसके बाद फिर स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि जो उच्च स्तरीय भाषा थी उसको और स्टैंडर्ड का बना दिया गया फिर अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर और हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को अनबंडल कर दिया गया अलग कर दिया गया अब सॉफ्टवेयर कई तरह के अलग अलग यूज़ में आने लग गए वो सिर्फ हार्डवेयर को चलाने के ही काम में नहीं आते थे फिर कुछ और अदर फीचर्स आए कि ये छोट बड़ा हो गया फास्टर हो गया तेज़ हो गया स्मॉलर हो गया ज़्यादा भरोसेमंद हो गया सरल हो गया और उत्पादन इसका सस्ता हो गया चीपर हो गया कमर्शियली व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसका प्रयोग करना आसान हो गया इसको अपग्रेड करना आसान हो गया और अब इसका उपयोग वैज्ञानिक और व्यवसायिक संस्थाओं के बीच किया जाने लगा इसके बाद आता है चौथा जनरेशन उन्नीस से 2010 माइक्रो प्रोसेसर का जनरेशन है चौथे जनरेशन के पीसी की फ़ोटो आप देख सकते हैं ये आपको आसानी से आजकल हर जगह दिख जाएगा उन्नीस से 2010 के बीच सा इसके हार्डवेयर के जो गुण थे कि माइक्रो प्रोसेसर सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज़ होना चालू हो गया और हार्ड डिस्क की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई पहले हार्ड डिस्क की कैपेबिलिटी बहुत कम थी पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए मतलब जो घरों में और ऑफिसों में आसानी से यूज किए जाने लग गए सुपर कंप्यूटर्स भी इसी में आ गए और मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ भी चौथे जनरेशन में फोर्थ जनरेशन में हार्डवेयर्स में यूज़ होने लग गई स्प्रेड ऑफ़ हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर के बहुत तेज़ गति वाले नेटवर्क्स का विकास एवं विस्तार हुआ इसके मुख्य मेमोरी की क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई मतलब हार्ड डिस्क की लार्जर कैपेसिटी मेन मेमोरी मीन्स रैम और रोम सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ी ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ किया जाने लगा रीड ओनली स्टोरेज मीडिया के लिए मतलब जो हम सीडीज़ वगैरह देखते हैं नोटबुक्स पावरफुल डेस्कटॉप पीसीज एंड वर्क स्टेशन एंड इंटरनेट ये तो हार्डवेयर या हाँ हार्डवेयर वाले गुड़ थे फिर आते हैं सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में तो देखते हैं कि जी यू आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब अब हम ग्राफिकल या माउस के थ्रू काम कर सकते थे तीसरे जनरेशन तक हमारा काम जो था वो मैक्सिमम कीबोर्ड से होता था सिर्फ बटन दबा के और कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें भी माउस चलाने की सुविधा नहीं थी लेकिन चौथे जनरेशन में हम माउस का भी यूज़ करने लग गए और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस थे मतलब उसमें ग्राफ पिक्चर्स ये सब देख सकते थे सिर्फ कैरेक्टर्स वाला काम नहीं होता था फिर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ कई सारी प्रोसेसिंग की जा सकती थी कई यूज़ होना स्टार्ट हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रारंभ हुई जो आप लोग आगे आके जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे तब आपको बताएंगे इसके बारे में फिर नेटवर्क बेस्ड एंड सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस आ गए फिर मल्टी थ्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया पैरेलल प्रोग्रामिंग होने लग गई जावा का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया इंटरनेट एप्लीकेशंस, मोर कॉम्प्लेक्स एंड सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस भी फोर्थ जनरेशन में प्रयोग हुए और अगर फ्यूचर में देखें तो ये बहुत छोटा हो गया सस्ता हो गया इजी टू यूज़ हो गया ये पीसी फिर ये सामान्य पर्पज़ की मशीन के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लग गया घर घर और हर एक ऑफिस में ये मिलने लग गया और इसको प्रोडक्शन काफ़ी इजी हो गया इसी समय चौथे जनरेशन में ही लैपटॉप्स वगैरह आए काफ़ी पावरफुल सिस्टम्स थे ये सस्ते थे चीपर रिलायबल एंड आसानी से इनको प्रयोग किया जा सकता था इसी फोर्थ जनरेशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स आए और साथ ही साथ इनका ईजियर टू प्रोड्यूस एंड कमर्शियल ईजियर टू अपग्रेड और इनको अपग्रेड करना आसान हो गया मतलब जैसे हमने एक कंप्यूटर अभी लिया और अगर दो साल बाद उसका नया वर्जन आया तो पुराना कंप्यूटर से वो ज़्यादा स्पीड होगा लेकिन इसी कंप्यूटर को हम अपग्रेड कर सकते हैं आगे जो बाद में दूसरा कंप्यूटर आया तो हमको वो नया कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरह से अपग्रेडेशन आसान हो गया रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ इसके बाद आते हैं पाँचवा जनरेशन में पाँचवा जनरेशन जो है वो अभी चल रहा है मतलब 2010 के बाद से मान सकते हैं इसको और आगे भी चलता रहेगा पाँचवें जनरेशन में सुपर कंडक्टर्स प्रयोग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल सर्वर्स आप फेसबुक का सर्वर देख सकते हैं गूगल का सर्वर देख सकते हैं ये सब आपके डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं इंटर स्पेस क्लस्टर कंप्यूटिंग ये फिफ्थ जनरेशन में है आगे इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज इनपुट अब आज की डेट में हमको कुछ भी सर्च करना होता है गूगल में तो गूगल का असिस्टेंस है नहीं तो फिर अमेजन में एलेक्सा तो ये जो है ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके वर्ड में कन्वर्ट करते हैं और वर्ड के अकॉर्डिंग जो क्वेरी होती है वो सर्वर में जाती है और सर्वर उसका रिज़ल्ट हमको शो करता है लेकिन जो रिज़ल्ट शो होता है उस रिज़ल्ट को ये वापस वर्ड में कन्वर्ट सॉरी वर्ड वो रिज़ल्ट को वापस वर्ड से वॉइस में कन्वर्ट करके हमको शो करते हैं जैसे आप अगर ऑन करके बोलें तो समझ सकते हैं कि वो कैसे आपको जवाब देगा तो अगर हम अपने मोबाइल में ही ट्राई करें गूगल असिस्टेंस ऑन करके तो यहाँ पास ये यह असिस्टेंट ऑन है असिस्टेंट में हम क्लिक अगर करें और ऐसे बोले कंप्यूटर्स तो अभी तो नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं फ्लाइट मोड ऑन है इसको अभी ऑफ ऑन ऑफ ही रहने देते हैं लेट्स कम सॉरी पीछे चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे तो फिफ्थ जनरेशन में वॉइस रिकॉग्निशन चालू हो गया और कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ रि जो है कैपेबल ऑफ लर्निंग कम्प्यूटर्स जो हैं खुद से सीखना स्टार्ट कर दिए अपने पुराने रिकॉर्ड या डेटा के आधार पर और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड और ऑर्गेनाइज करने लग गए जैसे आजकल के सिस्टम से अगर कुछ एरर आता है तो थोड़ी देर बाद खुद ही वो अपग्रेडेशन के लिए बोलने लग जाते हैं कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं ये इन वीडियो पे बेस्ड है किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ तो पहला जनरेशन था ट्रांजिस्टर दूसरे जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज कब डेवलप हुई ये भी दूसरे में हुई थी और कंप्यूटर को इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन में तीसरे में आए माइक्रो प्रोसेसर चौथे जनरेशन में एंड नेम द फ्यू डिवाइसेस इन योर होम यूजेज़ कंप्यूटर तो हमारे घर में कंप्यूटर का यूज करने वाले कौन गए तो हमारी स्मार्ट टीवी और स्मार्ट टीवी के अलावा जो है वाशिंग मशीन को कह सकते हैं तो वो भी चीज़ वो सारी चीज़ जिसमें चिप का यूज किया गया है वो सब कंप्यूटर या कंप्यूट करने वाली चीज़ें कही जाएंगी फिर आगे कहानी बढ़ती है तो टोबो पूछता है कि क्या है भविष्य की टेक्नोलॉजी तो टीचर बताया टेक ट्रेंड्स हैं तो टेक ट्रेंड्स क्या है तो टीचर ने टेक ट्रेंड्स को बताते हुए कहा कि ये वो तकनीक है जो अभी या तो विकसित हो रही है हो रही है या विकसित हो जाए जो अभी विकसित हो रही है या आगे आने वाले पाँच से दस सालों में विकसित हो जाएगी और ये जो तकनीक है वो है रोबोटिक्स रोबोट वीरेबल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जिनको हम पहन के चल सकेंगे इसके अलावा स्किन से अटैच वाले टैटू आएंगे जिन टैटू में सब कुछ हो सकेगा जिनके थ्रू हम ऑपरेट कर सकेंगे बहुत सी चीज़ों को माइंड रीडिंग मशीन्स डेवलप हो रही हैं वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल वर्ल्ड ये भी डेवलप हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि खुद से सोच के आंसर देने की क्षमता भी कंप्यूटर में बढ़ाई बढ़ रही है बिग डाटा और क्लाउड कंप्यूटिंग वाईफाई वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन रूरल ए तो रूरल एरिया में भी या ग्रामीण एरिया में भी तकनीक का एडवांसमेंट में वर्क चल रहा है तो इस तरह यह आपका पहला चैप्टर ओवर हुआ असाइनमेंट के क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी